आधार पर मंगोलिया में पुतिन की गिरफ्तारी हो सकती है, इस एक खबर से हलचल मची हुई थी। लेकिन आज एक नए बयान ने सनसनी मचा दी है। ये बयान खुद आया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से। We respect our friends, partners, who I believe are sincerely interested in resolving all issues related to this conflict. This is primarily India. Putin says that he has trust and confidence in partners such as India in providing a helping hand to resolve conflict with Ukraine. India will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, this real war. You're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy. जितना चाहे आप बुराइयां कर लीजिए, लेकिन ये चीज तो माननी ही पड़ेगी कि रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में मोदी जी और यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाह रहे हैं, कर भी सकते हैं और करेंगे। पुतिन का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पीएम मोदी ने कुछ महीने पहले रूस का दौरा किया था, इसके बाद वो यूक्रेन गए। आजादी के बाद ये किसी भारतीय पीएम का पहला यूक्रेन दौरा था। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। उन्होंने व्लादिवोस्टोक सिटी में एक डायलॉग जो कि थिंक टैंक के अंदर वो बातचीत कर रहे थे, वहाँ पर रशिया और यूक्रेन वॉर को ख़त्म करा सकते हैं, जो पीस डील हो सकती है जिनके थ्रू, जो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, और उसके अंदर पहला नाम इंडिया का है। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को बैक किया गया है, इंडिया को सपोर्ट किया गया है, और ये कहा गया है कि भारत वो कंट्री है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स एंड पीस डील करवा सकता है, यानी जंग खत्म करवा सकता है कोई कंट्री, तो वो इंडिया है। और फिर उन्होंने और बातचीत करते हुए कहा कि इससे पहले रशिया और यूक्रेन के बीच एक पीस टॉक्स हुई थी, लेकिन वो सामने नहीं आ सकी। वो कौन सी पीस टॉक्स थी और उन्होंने और कौन से दो कंट्रीज के नाम लिए हैं जो रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स करवा सकते हैं या ये जंग खत्म करवा सकते हैं। जब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां से सब कुछ करके, बातचीत करके वापस लौटे, और वो दौरा जब हो रहा था मोदी साहब का, तो उस वक्त ये बात की जा रही थी कि ये कुछ हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा नजर आए दुनिया को, कुछ करवा दें ये भारत, कुछ बीच में जो है बातचीत करवा दे, कुछ ऐसा हो जाए। यानी तो क्योंकि मोदी साहब पहले रशिया गए, उसके बाद फिर वो वहाँ पर पहुँचे यूक्रेन, और फिर उससे पहले पोलैंड भी गए, तो ये एक बड़े विजिट्स थे ना उनके। तो